नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, पिछले दिनों सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और बड़ा फैसला ये था नीचे सरकार का कि उन्होंने आरक्षण पूरी सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। 50 से 65% का आरक्षण की सीमा उन्होंने फिक्स कर दी। अब जाहिर सी बात है कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई थी, उसके आंकड़े आए, उसके बाद सरकार ने शीतकालीन सत्र में शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक आंकड़ों को पेश किया और उसी सत्र में सरकार ने यह फैसला किया कि इसमें आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। और सरकार ने तत्काल जो है फैसला करते हुए कैबिनेट से ये अप्रूव कराया और 50% से बिहार में 65% का आरक्षण। अब सवाल यह है कि सरकार ने 15% ही आरक्षण क्यों बढ़ाया? इसमें ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ दे तो 10 मिला के 75% हो जाता है। लेकिन बीजेपी ने ये कहा था और बीजेपी ने ये सरकार से मांग की थी कि इसको 5% और बढ़ाया जाए। अब सवाल यह है कि 65% ही सरकार ने एक क्यों बढ़ाया और बीजेपी क्यों चाहती थी कि 5% और इसमें आरक्षण बढ़े? इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी हैं। चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवाल आपसे ये है कि सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया बिहार के लिए और आरक्षण की सीमा बढ़ा दी 65% और उसमें 10% और जोड़ दें ईडब्ल्यूएस तो 75%। बीजेपी ये चाहती थी कि ये 80 हो जाए। सम्राट चौधरी ने यह कहा था कि अगर 80% भी हो जाएगा तो बीजेपी उसका समर्थन करेगी। आखिर ऐसा क्यों क्यों चाहती थी बीजेपी कि 5% और आरक्षण पर है? देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए कि नीतीश जी और लालू जी ने जातीय सर्वे करा करके और फिर इसकी रिपोर्ट जो है आरक्षण को सीमा बढ़ा करके जो दिखाया सदन में, उससे एक बहुत बड़ा माइलेज उनको मिल गया। तो बीजेपी इसमें पीछे क्यों रहे? इसलिए बीजेपी भी चाहती है कि हम इसके समर्थन में तो हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि 5% और ज्यादा बढ़ जाए ताकि इन लोगों का जो सामाजिक न्याय की जो बात है, निचले स्तर तक आरक्षण पहुंचने की बात है, वो ज्यादा से ज्यादा पूरा हो सके। लेकिन आपने अगर ध्यान दिया होगा कि सम्राट चौधरी ने 5% किसके लिए कहा? सम्राट चौधरी ने कहा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5% और बढ़ा दीजिए। और आपको मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो अति पिछड़े की राजनीति कर गए और लगा देश में शासन किया, फिर बिहार में शासन किया, और ये अति पिछड़ा उनका एक मोहरा बन गया था जीत के लिए। तो उस अति पिछड़ा को अपने तरफ करने के लिए 5% की बात सम्राट चौधरी ने की। अब दूसरी बात, आपको याद होगा कि जब नीतीश जी लालू जी से अलग हुए थे तो वो माइनस यादव बैकवर्ड की पॉलिटिक्स किए, इसके सहारे भाजपा उनके साथ मिलकर सत्ता में आई। अब फिर 2015 में जब लालू जी और नीतीश जी एक हुए तो 2015 का चुनाव मालूम है, भाजपा बुरी तरह परास्त हुई थी। अब भाजपा उस इतिहास को दोहराना नहीं चाहती है, उसके लिए कह सकते हैं कि वोटों के लिए भी अपनी जो चुनावी रणनीति है वो बना रही है। और इस चुनावी रणनीति का नतीजा है कि हम अति पिछड़ा में 5% और बढ़ाएं, ये उनकी एक रणनीति है ताकि अति पिछड़ों के साथ रह जाए, तभी वो महागठबंधन के जो तमाम दल हैं उनका मैंने कह सकते हैं कि उनको जवाब दे सकती है। अगर अति पिछड़ा वोट छिटक जाएगा तो फिर भाजपा को फिर परास्त होने की यहाँ पर जरूरत आ जाएगी। जी देखिए चंद्र जी, ये जिस समय आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात हो रही थी उस समय भी कई बार कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने भी ये बात कही कि अगर सरकार आरक्षण की सीमा अगर बढ़ाती है तो अपने लेवल पे वो फैसला तो कर लेती है, लेकिन अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में ये मामला जाकर फंस जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट जाने के लिए तो कोई भी स्वतंत्र है, लेकिन जदयू ने इस पूरी प्लानिंग की है इस रिपोर्ट को लाने के पहले। पहले जातीय सर्वे करने की इजाजत ली है कोर्ट से, फिर जातीय सर्वे के आधार पर आरक्षण का प्रतिशत जाहिर किया है। इसके पीछे कारण यह था कि तमिलनाडु सरकार ने जब वर्नियार को शामिल करते हुए एक 10% आरक्षण बढ़ाया था तो कोर्ट ने कहा था कि आपने बगैर डाटा का ये बढ़ा दिया है, इसलिए ये अमान्य है। तो जदयू या कह सकते हैं महागठबंधन की सरकार ने पहले ही तैयारी कर ली कि हम डाटा देंगे जातीय सर्वे के द्वारा, जिसे न्यायालय की भी मुहर लगी कि हाँ भाई जातीय सर्वे करा सकते हैं। अब दूसरी बात है कि ये आखिर 65% इन्होंने क्यों किया, ये भी एक रणनीति के तहत था कि अगर ऐसा सवाल कोर्ट पूछेगा तो मैं बताऊंगा कि केंद्र सरकार ने भी तो 10%
15% फॉरवर्ड के लिए रिजर्वेशन लाया था, तो यह लगभग 65% है। तो कहने का मतलब यह है कि हम कोर्ट में हर प्रश्नों का जवाब भी तलाश लें ताकि कोर्ट में भी हमारी जीत हुई, और जातीय सर्वे में भी लोग कोर्ट गए थे, सरकार की जीत हुई थी और जातीय सर्वे हुई थी। इसके पीछे यही है कि बिल्कुल पुख्ता इंतजाम, मेरी रणनीति बिल्कुल सफल हो, कोर्ट में भी जाए तो हम लड़ करके वहां से एक कह सकते हैं कि जस्टिस ले आए सामाजिक न्याय को लोगों के लिए, ताकि वो निचले स्तर तक जो सामाजिक न्याय के दे रहे हैं वहां तक नौकरी का एक सम्मान कह लीजिए, एक गिफ्ट कर लिए वहां तक पहुंच सके। जी, आपने जिक्र किया तमिलनाडु के वन्यार समुदाय के बारे में, और उसमें था कि सरकार ने ओबीसी को आरक्षण देने के लिए 10.5% आरक्षण की सीमा बढ़ा दी, जिस पर कोर्ट में ऑब्जेक्शन हुआ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑब्जेक्शन लगाया। मैं डिटेल में यह जानना चाहता हूं कि आखिर वो बंगाल समुदाय को जो 10.5% आरक्षण देने की बात हुई थी, ये पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि एक राजनीतिक ठीक कह सकते हैं कि वोट बैंक के खातिर तमिलनाडु सरकार ने ऐसा किया था, और ये ऐसा करने के पीछे उनको एक लगा कि एक बड़ा वर्ग जो है हमारे साथ जुड़ जाएगा। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने पूरा मेहनत इस पर नहीं किया, पूरा सर्वे नहीं किया, उसका डाटा नहीं जुटाया, जो कोर्ट में जा करके वो समाप्त हो गया और वो कोर्ट ने उसके विपरीत स्थिति पैदा की। लेकिन बाद में जब तो ये जयललिता जब आई तो उन्हें भी लगा कि इस समुदाय को लुभाना चाहिए, और इस समुदाय को लुभाने के लिए आप कह सकते हैं एन प्रकारेन उन्होंने इसको 9वीं सूची में डाल दिया, और 9वीं सूची में डालने के बाद फिर वो कोर्ट के द्वारा चैलेंजेबल नहीं होता है, और आज वहां वो आरक्षण मिल रहा है। जी, तो ये कुल मिलाकर के वोट को अपनी तरफ मोड़ने का था, और अंतिम फायदा ये तब जयललिता जी को हुआ जो उन्होंने राष्ट्रपति से मिल करके उसे 9वीं अनुसूची में शामिल कराया और एक पुख्ता इंतजाम कर लिया कि 69% आरक्षण हम देंगे और उसमें वर्नियार भी शामिल होंगे। जी, तो जाहिर सी बात है कि जब नीतीश कुमार आरक्षण की सीमा बढ़ा रहे होंगे तो इस घटनाक्रम को, और साथ ही साथ दूसरे राज्यों में आरक्षण की सीमा क्या बढ़ाएगी, वहां पे क्या क्या दिक्कतें आई, उन तमाम चीजों पहले पे बहुत सारी पहलुओं पे उन्होंने सोचा जरूर होगा। जी बिल्कुल सोचा होगा, लेकिन आपको एक जानकारी दे रहे हैं कि भाजपा भी कम सोच नहीं रही थी। जिस समय जातीय सर्वे की बात आई दीपक जी, भाजपा बिल्कुल मौन थी। भाजपा मौन इसलिए थी कि वो अंदर अंदर रणनीति बना रही थी कि पहले जातीय सर्वे को आने दो, फिर कास्ट पॉलिटिक्स को एकदम अपर लेवल पर जाने दो, और फिर वहां उसकी अपनी रणनीति आएगी। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने रोहिणी कमीशन के द्वारा इस पूरे आरक्षण की पद्धति को जांच करने के लिए, उसकी पूरी रिपोर्ट लेने के लिए एक काम शुरू कर दिया है, और रोहिणी जो है कमीशन, उसने रिपोर्ट भी लगभग तैयार कर ली है, और उस रिपोर्ट में भाजपा इस बात को प्रक्षेपित करना चाह रही है कि हम माने सरकार ये पिछड़ा वर्ग में केवल मुश्किल से कुछ जातियों को आरक्षण मिल रहा है, तो हम ऐसा करेंगे पिछड़ा को 3 वर्ग में बांटेंगे, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, और फिर आरक्षण को भी उसी हिसाब से मांगेंगे। एक आंकड़ा दिया गया है कि 25.7% नौकरी जो है 32 जातियों में है, और 24.9% जो नौकरियां हैं वो 110 जातियों में है, और 37% ऐसा है जो जीरो है, उनको कोई नौकरी नहीं है। तो संभव है कि केंद्र सरकार या रोहिणी कमीशन इस बात की तरफदारी करे कि आप एक क्रीमी लेयर डिवाइड कीजिए, या फिर जिसकी जितनी कह सकते हैं कि जनसंख्या हो उसकी उतनी हिस्सेदारी हो, तो उस हिसाब से अगर यादव 14% है तो उसको उसी में सीमित रखा जाए, और अगर बाकी लोग जो हैं उनके आरक्षण को भी अलग कर दिया जाए ताकि एक दूसरे का ओवरलैप नहीं हो। ये एक भाजपा की चाल है, ठीक है, माइनस यादव पॉलिटिक्स नीतीश जी ने भी किया, और माइनस यादव पॉलिटिक्स ये भी करेंगे रोहिणी कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर, ये होने जाएगा लोकसभा चुनाव के पहले। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी के इस एक्शन का जवाब यही है कि हम पिछड़ों के विभाजन में यह कहते हुए बताएं कि केवल कुछ लोग पिछड़ों में जो दबंग हैं, जो अमीर हैं, वो आरक्षण का लाभ पहुंचा रहे हैं, और 37% जो पिछड़े लोग हैं उनको तो नौकरियां ही नहीं है। और ये केवल हिंदू समुदाय के लिए नहीं है दीपक जी, मुस्लिम समुदाय पर भी ये रोहिणी कमीशन काम कर रही है कि भाई रोहिणी कमीशन की भाई मुस्लिम एज ए मुस्लिम जाना जाता था, लेकिन बिहार में अब मुस्लिम में जाति डिवीजन भी हो चुका है, जिसमें शेख पठान फॉरवर्ड में आ जाते हैं, इधर और सारी जातियां अंसारी और बहुत सारी जातियां हैं जो बैकवर्ड में आती है, तो वो उस जाति की संख्या का भी परसेंटेज देना चाहते हैं। और आपको ध्यान होगा बिहार में जो
फॉरवर्ड की जो संख्या 15% दूर है उसमें मुसलमान के फॉरवर्ड भी शामिल है। तो ये भाजपा भी चाह रही है कि मुस्लिम में भी जातीय डिवीजन हो जाए और जो अभी तक वंचित हैं उनको देने के लिए एक ऐसा नियम बनाया जाए जो कि क्षण करके उस तक जाए और फिर ये अंतिम जो कहते हैं कि अंतिम पायदान तक सब चीजें पहुंचे वो पहुंच जाए। तो भाजपा भी एक बड़ी रणनीति की तैयारी में लगी हुई है और वो चाहती है कि पूरे देश भर में जातीय कह सकते हैं कि चुनाव का समीकरण ये लोग मजबूत करें और अंत में हम रोहिणी कमीशन ला करके ये विभाजन करेंगे और बाकी जिसको हम नए तरह से आरक्षण देंगे वो वर्ग भाजपा के सपोर्ट में रहेगा, ये उनकी रणनीति है। जी दीपक जी, देखिए चंदन जी, जिस तरह से बिहार सरकार ने और नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ बिहार में पूरे देश में एक जातिगत मुद्दे पे चर्चा हुई, एक बहस हुई और एक नए समीकरण आए। आप जिस तरह से रोहिणी कमीशन की बात कर रहे थे, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट अभी आई नहीं और जिस तरह से आप कह रहे थे कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आ सकती है, तो जाहिर सी बात है कि जो राजनीतिक समीकरण और जातिगत समीकरण है एक बार फिर उस पर बहस होगी, उस पर चर्चा होगी। बिल्कुल, भाजपा तो चाहती थी कि जातीय सर्वे बिहार में हो और फिर जातीय सर्वे की बात पूरे देश में फैले और हर जगह जातीय आंकड़ा आ जाए और उन जातीय आंकड़ों में हम यह तलाश करेंगे रोहिणी कमीशन के द्वारा कि इसमें कितनी ऐसी जातियां हैं जो सबसे ज्यादा आरक्षण ले रही हैं। मैंने आपको बताया ही कि लगभग 27% कुल 32 जातियां ले रही है, 26% में 110 जातियां हैं और 37% जीरो है। तो अगर यह समीकरण आएगा तो 37% को ऊपर उठाने के लिए कोई तो कदम उठाया जाएगा, कोई तो एहतियाती कदम उठाएगा। आज अगर आरक्षण बढ़ा के नीतीश जी अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो भाजपा भी तो राजनीति करने के लिए ही आई है ना, तो भाजपा भी राजनीति करेगी। इसलिए भाजपा टिल वेट एंड वॉच कर रही थी कि पहले ये जो गर्म हो जाए ये मामला, फिर हम रोहिणी कमीशन के द्वारा इस पर ऐसा दबाव डालेंगे कि अदर देन जो आरक्षण पाने वाले लोग हैं उसके अलावा जो जातियां हैं वो भाजपा की तरफदारी करते हुए दिखे। तो एक बड़ा वर्ग आपको डिवाइडेड होते हुए दिखेगा अगर ऐसा सचमुच हो जाता है तो। अभी रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आने दीजिए। जी, जिस तरह से आप बता रहे थे, क्या बिहार सरकार के और आरजेडी जेडी तमाम ये मांग कर रही थी और इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी इस बात को लेकर प्रस्ताव गया था कि पूरे देश में जातिगत जनगणना हो, हालांकि केंद्र सरकार ने वो बात नहीं मानी और इस रिपोर्ट के आने के बाद, बिहार में रिपोर्ट आने के बाद फिर से यह मांग उठ रही कि देश भर में जातिगत जनगणना हो। जिस तरह से रोहिणी कमीशन की बात आप कर रहे हैं, तो क्या रोहिणी कमीशन को लेकर अभी सरकार देश में जातिगत जनगणना नहीं करेगी? देखिए, एक बात तो सच है दीपक जी कि जातीय जनगणना जरूरी है ताकि आरक्षण का फिक्सेशन हो सके। तो इधर जब नहीं हो रहा है तो विपक्ष लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप जनगणना नहीं करा रहे हैं। तो भाजपा इसके पहले पुख्ता रूप से रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लाएगी, फिर उसके आधार पर जनगणना कराएगी और फिर उसके बाद ये जो सारा आरक्षण का जो समीकरण है उसे अपने पक्ष में करने की नीतियों पर विचार करेगी। हर कोई राजनीति करता है दीपक जी, ये भी राजनीति कर रहे हैं, तो भाजपा भी किसी न किसी खास वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में माइनस यादव जो बैकवर्ड हैं वो लगभग भाजपा के समर्थक हैं और यहाँ भी वही नीति पर भाजपा काम करना चाह रही है या पूरे देश में ये काम करना चाह रही है कि आरक्षण के लाभ लेने वाले जातियां से अलग हट करके उन जातियों को सामने लाया जाए राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, कि वो एक समाज में एक बड़े वर्ग के रूप में उभरे और वो कहीं ना कहीं फायदा होने के कारण भाजपा सरकार का वो समर्थन करें। ये उनकी अपनी नीति, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात करें तो, या फिर बिहार में भी चुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो नीतीश कुमार हैं और बीजेपी दोनों के टारगेट में पिछड़ा ही होंगे। जी बिल्कुल, ये तो आपने देखा ही होगा कि बीजेपी के टारगेट में पिछड़ा है, तभी तो लगातार भाजपा अध्यक्षों की अध्यक्ष कौन बन रहे हैं, संजय जायसवाल, भाजपा अध्यक्ष कौन बने, नित्यानंद राय, भाजपा अध्यक्ष कौन है, सम्राट चौधरी। इसलिए भाजपा तो जान चुकी है कि अब पिछड़ों की राजनीति हम नहीं करेंगे तो हमारा सर्वाइवल खत्म हो जाएगा, इसलिए वो जानबूझ करके पिछड़े लोगों को अध्यक्ष बना रही है ताकि पिछड़ों में पैठ बढ़े। और कुछ नहीं कहेंगे अगर तो पिछले 3 उपचुनाव में तो ये सफलता
भाजपा को मिली कि कुशवाहा और कुर्मी वोट का डिवीजन भाजपा के तरफ गया। अब ये कितना प्रतिशत गया ये तो बात की बात है, लेकिन एक दस्तक तो जरूर पड़ी है जहां यह वोट शिफ्ट किया और भाजपा को दो विधानसभा में मैंने कह सकते हैं जीत का हासिल करना पड़ा। और मोकामा में भले आनंद सिंह जीते हुए उनका व्यक्तिगत प्रभाव था, महागठबंधन के उम्मीदवार थे, लेकिन वहां भी 2,500 वोट पाने वाले भाजपा 60,000 वोट तक पहुंच गई है। ये भी कम कोई बड़ी बात नहीं है दीपक जी। जी तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार ने जिस समय अभी आरक्षण की बात कही या फिर जातिगत जनगणना की रिपोर्ट लाई, तो नीतीश कुमार ने भी अभी परफेक्ट टाइम में इस जातिगत जनगणना की रिपोर्ट है वो सामने लाया है, क्योंकि अभी जस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन है और कुछ दिनों के बाद विधानसभा इलेक्शन है, तो अगर नीतीश कुमार के हिसाब से देखें तो ये परफेक्ट टाइम है उनके लिए। बिल्कुल, ये टाइमिंग हर राजनीतिक दल अपना टाइमिंग रखती है। जब जातीय सर्वे की बात कर रहे थे या कोर्ट में मामला था तो उस समय भाजपा के लोगों ने भी सोचा ठीक है इसको करने देते हैं, और फिर हम रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर चूंकि सूचनाएं तो मिलते रहती है तो भाजपा का टाइमिंग आएगा आने वाले दिनों में। अभी तो प्लस पॉइंट कह लीजिए, ये पूरे राजनीति में 20 अगर कोई है तो वो महागठबंधन है अपने इस आरक्षण पद्धति को बढ़ाने को लेकर के, और अभी भाजपा पिछलग्गू की तरह चल रही है, उसके साथ घिसट रही है कि हम तो और 80 पर करना चाहते हैं। संभव है भाजपा के एजेंडे में शामिल हो कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 80-85 कुछ भी कर देंगे, क्योंकि उसे चुनाव में जीतना है अपने चुनाव के साथ विधानसभा और लोकसभा में, इसलिए वो कुछ भी वादा कर सकते हैं, एजेंडा में शामिल कर सकते हैं, और बाद में उसे लागू करने का जैसे नीतीश कुमार जी ने लागू किया पूरा पुख्ता इंतजाम करके, भाजपा भी उसी हिसाब से लागू करेगी, उसका पूरा इंतजाम करेगी, और नहीं कर पाएगी तो कोर्ट से फिर वो निरस्त हो जाएगा जैसे तमिलनाडु में हुआ। उसके बाद वहां की सरकार ने जलेजा ने सोचा कि भाई इसको नौवीं सूची में शामिल कराए बिना नहीं हो सकता है, और नौवीं सूची में शामिल हो जाने के बाद कोर्ट भी उस पर कोई आक्षेप नहीं कर सकता है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये नौवीं सूची में शामिल कराने, जब से अगर सचमुच केंद्र में सरकार भाजपा की बनती है और यहाँ भाजपा की बनती है तो एक एटीज पोजिशन तो हो ही सकता है कि वो नौवीं सूची में करके अब आरक्षण को 80% ले जाए। जी यह एक दावा जी जी चंदन जी एक आखिरी सवाल यह है कि अगर जिस तरह से अभी बीजेपी ने यह डिमांड की कि 5% और बढ़ना चाहिए था, तो अब जाहिर सी बात है कि इस कहीं ना कहीं इस 5% को बढ़ाने के पीछे चलिए पिछड़ा अति पिछड़ा का वो अपना वोट बैंक होगा, लेकिन यह भी एक टारगेट था कि अगर ये मामला कोर्ट में अगर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें गर्दन नीतीश कुमार की फंसेगी, और ऐसे में अगर उसका लाभ मिलेगा तो लाभ जाहिर सी बात है कि डिमांड हमने की है तो हमको उसका लाभ मिलेगा। बीजेपी इस डिमांड के जरिए दोनों तरफ से खेल रही थी। आप सही कह रहे हैं दीपक जी, बीजेपी की यह कह सकते हैं जब जातीय सर्वे आई तो उसका इंतजार सिर्फ इस बात का था कि पहले देखते हैं कि जातीय सर्वे के बहाने वो कितना प्रतिशत करते हैं। जब वो सदन में 65% की बात जब वो आई तब इन्होंने कहा कि भाई 5% हम और चाहते हैं, क्योंकि इसके बिना भाजपा का काम नहीं चल सकता है। और लगातार भाजपा के तमाम नेताओं का बयान देख लीजिए, सुशील मोदी का बयान देख लीजिए, चाहे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान देख लीजिए, सम्राट चौधरी का बयान देख लीजिए कि जब हम सरकार में थे तब ये बात हुई थी कि आरक्षण की सीमा बढ़ेगी और हम उसके भागीदार थे। आज हम सरकार में नहीं भी हैं तो हम इसके पक्षधर हैं, और हमारा कहना तो है कि भाई इसमें ज्यादा 65 के बदले 5% और बढ़ाया जाए। तो इसके पीछे की मंशा यही है कि जो अति पिछड़ा वोट नीतीश कुमार जी के कारण और नरेंद्र मोदी जी के कारण पूरा अति पिछड़ा जो एनडीए को पड़ता था, अब वो अति पिछड़ा में 5% बढ़ा करके या वो वादा करके वो या दिखा करके या अपना ये कह सकते हैं एजेंडा में शामिल करके वो चाहेंगे कि अति पिछड़ा वोट जो है भाजपा की तरफ जितना ज्यादा से ज्यादा झुक सके, तभी वो इसकी राजनीति कर पाएंगे। क्योंकि भाजपा भी वोट की राजनीति कर रही है, अति पिछड़ा को साधने की कोशिश कर रही है और दलित को साधने की कोशिश कर रही है। दलित मुद्दा पे देखिए प्रधानमंत्री तक जो तेलंगाना में बोल दिया कि दलितों का अपमान हो रहा है, रामविलास जी का अपमान हो रहा है, तो ये भी एक 20% वोट है। तो इस वोट को भी आकर्षण, क्योंकि जवाब देना है महागठबंधन के नीतीश कुमार जी को, लालू जी के इस समीकरण को जो निश्चित रूप से अभी लिखता है कि भाजपा परास्त हो जाएगी, इस चीज से बचने के लिए या अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अभी उसके पास दलित और अति पिछड़ा कार्ड के अलावा कोई कार्ड नहीं है। क्योंकि जो राजनीतिक स्थितियां हैं अभी कह सकते हैं पिछड़ों की राजनीति में महागठबंधन का जो श्रेय है वो बहुत ज्यादा है, उसके तरफ झुकाव ज्यादा है, तो दो ही चीज बच जाता है, अति पिछड़ा और दलित। क्योंकि दलित नेता इनके पास अभी ज्यादा है, बसपा में कभी रहे जनक राम जी हैं, जीतनराम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, तो बस दो ही निशान है, अति पिछड़ा और दलित। अब इसमें कितना सफल होते हैं
या नीतीश जी भी कितना सफल होते हैं वो तो पता चलेगा बाद में, लेकिन शामिल तो भाजपा के एजेंडे में हो गया है मुझे दलित और अति पिछड़ा को अपनी तरफ करना है, कितना कर पाएंगे। जाहिर सी बात है चंदन जी के आने वाले दिनों में अभी बहुत राजनीतिक समीकरण बनते हैं। अगर नीतीश कुमार ने अब अगर मास्टर स्ट्रोक दिया है तो शायद बीजेपी के पास भी उसके जवाब में अपना एक ट्रंप कार्ड है। तो इस फिलहाल इस मुद्दे पे हम लोगों ने चर्चा की, चंदन जी आपने चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत